हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको टाइटल से पता चल गया होगा, आज हम लोग जा रहे हैं सेंट्रल कोस्ट। सेंट्रल कोस्ट बहुत प्यारी जगह है, ये न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। बहुत सुंदर बीच साइड लोकेशन है। इस वीडियो के साथ हम बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन देखने वाले हैं और बहुत सारी मस्ती करने वाले हैं। तो ये ड्राइव लगभग 1.5 घंटे का है और मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि ये बच्चे गाड़ी में बैठते साथ ही क्यों सो जाते हैं। मुझे नहीं समझ, अंश और अलीसा दोनों जैसे ही कार में बैठते 10 मिनट ड्राइव होता है कि नहीं, दोनों सो जाते हैं। तो ये दोनों सो चुके हैं और ऑलमोस्ट हम 1 घंटे ड्राइव कर लिए हैं और थोड़ी देर बचा है और हम पहुँचने वाले हैं। हम लोग आज यहाँ रात में स्टे करने वाले हैं, तो जब तक चेकिंग प्रोसेस होता है मैं आपको बाहर ले चलती हूँ और दिखाती हूँ यहाँ का आसपास लोकेशन कैसा है। आज मौसम तो उतना अच्छा लग नहीं रहा है, बारिश हो रही थी थोड़ी देर पहले और ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो बारिश फिर से शायद कभी हो सकती है। और ये देखिए लोकेशन, पीछे जो है थोड़ी दूर पर आपको वाइट सैंड दिख रहा है, वो मेन बीच है, वहाँ पीछे समुंदर है। और ये जो पानी आपको दिख रहा है ये पीछे का पानी है, जो समुंदर का कहीं से कट के पानी पीछे जमा हो जाता, तो ये लोकेशन है। तो बहुत ही प्यारी जगह है, इस साइड में बच्चों के खेलने के लिए सब कुछ बने हुए हैं देखिए इस तरह, और बहुत ही प्यारा लोकेशन। और इधर आपको सारा कैफ़े है, शॉपिंग के लिए आप जो भी कुछ शॉप कर सकते हैं, कपड़े खरीदने हैं, छोटे मोटे जो भी शॉपिंग है उसके लिए जगह दिया हुआ है। और बाहर वॉकिंग के लिए भी है, साइड साइड वाटर के लिए आप वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर लोकेशन है, मौसम भी बहुत प्यारा, बट ठंड थोड़ा है काफ़ी। तो ठंड के लिए लाइक ये ना, जब भी हम बीच के साइड आते हैं ठंड तो रहता ही है यहाँ पे, और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है आज। आज हम लोग जहाँ रुकने वाले हैं वो बिल्कुल बगल में ही है, बस नीचे उतरे, और ये लोकेशन है बच्चों के खेलने के लिए, सारा कुछ बहुत ही पास है और ऊपर से व्यू तो बहुत ही प्यारा है। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया, रूम का टूर भी कराया, तो अगर आपको वो देखना है तो आप ऊपर क्लिक कर सकते हैं और वो देख सकते हैं। तो देखिए व्यू कितना प्यारा है, ठंड काफ़ी बढ़ गया है, ऐसा लग रहा है ना, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और बारिश भी हो रहा है, कभी धूप हो रहा है। और अचानक से मुझे दिखा रेनबो, बहुत ही प्यारा रेनबो आया, तो बहुत बड़ा बीच पे इतना सुंदर दिख रहा है, देखिए कितना प्यारा है। काफ़ी देर तक ये रेनबो है और मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, वो देखिए बीच आपको दिख रहा है वहाँ, ये बैक वाटर है, पीछे का पानी है और वो है बीच, और उसके वहाँ पे समंदर है, और रेनबो तो इतना सुंदर दिख रहा है, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया रेनबो देख। रेनबो अभी तक था ही, धूप भी हो रखे थे और अचानक से अब बारिश शुरू हो गया। तो अब हम लोग भागेंगे रूम में और फिर आपको वहां पे दिखाती हूँ कि रूम से कैसा व्यू दिखता है बाहर का। अब हम लोग पहुंच गए हैं रूम में, और रूम में बेडरूम में ये प्यारा सा विंडो था छोटा सा, और यहाँ से ट्री और ऊपर नीला आसमान बहुत ही प्यारा दिख रहा था। और एक बेडरूम है
और एक बालकनी है, बालकनी से भी व्यू बहुत प्यारा है। अंश का शुरू हो गया खेलना, इसका भी मैंने टूर दिया है इस रूम का, तो आप वो देखना चाहते हो तो मैंने पहले भी बताया, लिंक मैं ऊपर शेयर कर रही हूँ। ये रहा बालकनी का व्यू। एक्चुअली ये जो होटल है बिल्कुल बीच के किनारे है, और ये जो रूम है सी फेसिंग साइड है, और ये लेवल वन पे है। लेवल वन पे होने के कारण ये परफेक्ट उनका लेवल था। तो लिविंग एरिया में खड़े होने के बाद भी देखिए यहाँ से कितना सुंदर दिख रहा है, तो व्यू बहुत ही प्यारा था रूम से। तो अभी टाइम हो रहा है 6, और ये देखिए ठंड होने की वजह से अभी रात हो चुका है ऑलमोस्ट, और आज ठंड बहुत ज़्यादा, थोड़ी देर पहले बारिश भी हो रहा था इसलिए लोग बहुत ही कम दिख रहे हैं रोड पे। तो हम थोड़ा वॉकिंग करने के लिए निकले थे और सोचे खाना भी थोड़ा पैक कर लेते हैं अपने लिए, बच्चे तो वैसे भी बाहर का नहीं खाते तो वो घर जाके देखेंगे। और तो मैं आपको ये थोड़ा बहुत आसपास दिखा देती हूँ कि यहाँ पे लोकेशन कैसा है। आज लोग काफ़ी कम दिख रहे हैं मुझे, तो आई थिंक हम लोग ज़्यादा वॉक नहीं कर पाएंगे बच्चों के साथ, ठंड काफ़ी ज़्यादा और हवा भी चल रही, तो हम लोग जा रहे हैं रूम पे। और अंश को ये खेलने में इतना मज़ा आ रहा ना, ये कभी बंद कर रहे हैं कभी खोल रहे हैं। और एलिसा को चोट लग गया, कहाँ पे चोट लगा बेटा? ओके इट्स ओके, ओके आई विल हेल्प यू। तो एलिसा और अंश को बहुत मज़ा आ रहा है ये डोर डोर खेलने में, तो ये कुछ इस तरह ये लोग को भी इंजॉय कर रहे हैं। अभी तो 7 बज रहा और अब हमारा ये कुकर निकल चुका है, हम जहाँ भी जाते हैं कुकर लेके जाते हैं, क्योंकि बच्चे हैं और वो बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो मुझे कुकर लेके चलना पड़ता है ताकि मैं कम से कम दाल चावल भी बना दूँ या खिचड़ी बना कर उनको खिला दूँ। तो इन्होंने कुछ सुबह से खाया नहीं अच्छे से, चिप्स और बिस्किट और ये सब भी चल रहा है इनका। तो अभी खाने वाले हम क्या खाने वाले हैं सर? ये दोनों आज क्या खाने वाले हम लोग, आज को भी पता नहीं। ठीक है अभी हम लोग खिचड़ी खाने वाले हैं, मूंग दाल का सिंपल सा खिचड़ी, राइट? अंश इज अ बेबी इसलिए वो बाहर नहीं खाता है। आई एम श्योर बहुत लोग ऐसे होंगे जो मेरी तरह कुकर लेके चलते होंगे अपने साथ जहाँ भी जाते कुकर, क्योंकि ये दोनों छोटे मेरे बच्चे बिल्कुल भी बाहर का खाना नहीं खाते, ना पिज्ज़ा खाते ना बर्गर खाते, तो मुझे बहुत दिक्कत होता है। बट इट्स ओके, एक तरह से बहुत अच्छा है कि ये सिर्फ घर का खाना खाते हैं, ये इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मुझे ऐसा ही रूम मिले या होटल मिले जहाँ पे किचन हो, तो इजली बच्चे का खाना बना। ओके, जब तक हमारा खिचड़ी बनता है मैं एलिसा दोनों कलर कर लेते हैं। आप घर जाओ या बाहर रहो, कहीं भी जाओ, ट्रिप पे जाओ, अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो आपका यही हाल होता है, घर पे भी यही कलरिंग करना पड़ता है, बाहर भी जाके कलरिंग करना पड़ता है। तो इट्स अ सेम रूटीन एवरीवेयर, आई एम श्योर बहुत लोगों की यही स्टोरी होगी, कलर 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 एवरीवेयर रंग है। अच्छा है, लाइफ में कलरफुल होना भी चाहिए, लाइफ कलरफुल है तभी यू हैव ग्रीन एंड ग्रीन। तो हमारा पेंटिंग चल रहा है अभी, ओके। दोनों को मैंने खाना खिला दिया है, तो अब है हमारा मी टाइम और बच्चों के साथ फैमिली टाइम। फैमिली के साथ बाहर जाके स्टे करना और अलग से ना बच्चों के साथ एंजॉय करना, उसका अलग ही सुकून सा होता है। तो आप घर से बाहर जाके कुछ टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करते हो, उसका मजा कुछ और ही है। मॉर्निंग एवरीवन, तो चलिए आज सुबह का मैं आपको बालकनी से बाहर का नजारा दिखाती हूँ कैसा है। अभी 10 बज रहा है, बच्चे नीचे खेलने आ गए हैं, और ये जो आपको बिल्डिंग दिख रहा है यही था बिल्डिंग जिसमें हम स्टे किए थे। और ये देखिए नीचे कितना अच्छे से, आज लोग बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि सनी है,
लकली आज धूप बहुत अच्छा है, तो सारा कैफे फुल है, स्ट्रीट शॉपिंग फुल है, लोग बहुत ज़्यादा है इस एरिया में। और ये बहुत ही प्यारी जगह है कि बच्चे आराम से खेल सकते हैं और वॉकिंग कर सकते हैं, घंटों आप बैठ के यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वाह, मुझे दिखा है यहाँ पे साइकिल, जिसको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बाइक बोलते हैं बट इंडिया में इसको साइकिल बोलते हैं। तो ये बाइक यहाँ पे आपको वहाँ जो स्टैंड लगे उसमें पेमेंट करना है और प्रोसेस लिखा है, कुछ कोड आएंगे, नंबर्स पिन आते, उसके बाद वो पिन को आपको प्रेस करना और ये बाइक बाहर आ जाएगा। और देखिए पीछे बच्चे के बैठने का बना है और सब यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे, तो हम भी लेते हैं बाइक राइड। और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ये मस्ट है, आप जब भी बाइक राइड कर रहे हो आपको और बच्चे को हेलमेट लेना ही लेना है, इसके बिना आप ड्राइव नहीं कर सकते हो, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारा सेट हो गया और अब हम चले राइड। बहुत ही अच्छा लग रहा था आफ्टर सो मेनी इयर्स बाइसाइकिल राइड करके, तो बाइक राइड करने का ऐसे मौसम में और ऐसे लोकेशन में मज़ा ही कुछ अलग है। एलिसा काफ़ी देर से वेट कर रही थी, मामी मेरा टर्न कब आएगा, तो अब आया एलिसा का टर्न। इसको लेके मैं ड्राइव करने का नहीं सोच सकती थी क्योंकि ये बच्ची थोड़ी भारी है, तो आई सर लेकर के तुम ही चलाओ। ये दोनों बच्चों को हमने राइड करवा दिया है, अब मैंने कहा कि तुम लोग जाओ खेलने के लिए और मैं अकेले राइड करूँगी। तो ये वाटर के किनारे किनारे मैं राइड कर रही हूँ और इतना अच्छा लग रहा है, इतना प्यारा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बच्चे खेल रहे हैं, लोकेशन इतना प्यारा है। तो इसमें ये साइकिलिंग करने का कुछ मज़ा ही अलग है, इतना सुकून लग रहा था, बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये लोकेशन भी पसंद आया होगा। और अब हम खा रहे हैं आइसक्रीम, ठंड में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है, तो धूप भी बहुत अच्छा है, तो आइसक्रीम बच्चे ने खाया, मज़े किए और अब हम थोड़ी देर के बाद निकलेंगे घर की ओर। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।